हॉकी विश्वकप को नहीं समस्ते प्रस्तुत एवं किभली भाव जो मैंने आसबे क्रीड़ा प्रेमी आसबे हॉकी प्रेमी आसबे निज निजर देश को उत्साहित करने बाहर राज्यर हॉकी प्रेमी आसबे से माने किभली सुरखुरी राउरकेला रे पहुंची पारे कारण राउरकेलार बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रे मध्य अनेक मैच रही है से भुवनेश्वर विमान उड़ीवा आरंभ करुच्छे राउरकेला को आप देखुले राउरकेलार किभली भाव उत्साह रही केमी प्रस्तुति आसतु भुवनेश्वर अंतर्जातीय विजु पट्टनायक विमान बंदर को जवा से कौन कौन प्रस्तुति रही अनिता दास सहयोगी रही अनिता कौन प्रस्तुति वर्तमान एयरपोर्ट रे निश्चित रूप देखु स्मार्ट सिटी रू सिल्क सिटी आज फ्लाइट सर्विस बा विमान उड़ाण सेवा जो कहींपर उपलब्ध हो पार खास से देखा भुवनेश्वर एयरपोर्ट परिसर मध्य जो मैंने रही जात्री से मधे बेस उत्साह देखा मिली आप सीधा सख दृश्य देखा चाहिए एटी जो आपंकर एयरलाइंस एयर जो रही जो थे आज जित्रा करेंगे अनेक जात्री भुवनेश्वर राउरकेला को राउरकेलू भुवनेश्वर को आसपारे ये आप फ्रंट काउंटर देखिपुर फ्लाइट सर्विस फर राउरकेला मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एयरपोर्ट उपस्थित रही पता देखे यार उद्घाटन करें बर्तमान सुधा देखिपर केन्द्रमंत्री पहुंच सारी धर्मेन्द्र प्रधान रही सांसद अपराजिता षडंगी आसी सारी मंत्री अशोक पंडा रही तेज खूब शीघ्र यह लंच आज फ्लाइट सर्विस राउरकेलावासी निहत रूपे मिलवाक जापट जो देखा भुवनेश्वर जो भाव हॉकी महाकुंभ को लेकिन वर्तमान सारा राज्य में जी कह उत्साह देखाई ताक नजर रखी एभली एक सेवार कहींपर शुभारंभ हो उड़ान सेवा जी कहींपर इतिम्य जी कहींपर जो राउरकेलावासी रही तो उत्साह रही भुवनेश्वर राउरकेला जावाई जो गमनागमन टाइमिंग रोला ताहत रूपे कहींपर अधिक सुविधा जोगेबा जात्री देखो 10:45 आज जदि कहींपर सेवा आरंभ हो पाखापाखि 55 मिनिट्रे मात्र 55 मिनिट्रे जात्री जा राउरकेला पहुँची पारे एथर आप बारिपे जो जात्री मैंने अनेक समय देखिपर राउरकेला जावा को जो मैंने उत्सुक रोते कि टाइमिंग समस्या रोला अधिक समय लगुला निहाती भाव समस्त खुशी खबर भुवनेश्वर राउरकेला विमान उड़ाण भरवाक जागक वर्ल्ड कप हॉकी आउ मात्र 4 दिन पर वर्ल्ड कप हॉकी जहाँ नहीं पूरा प्रस्तुति जोरसोर एवं कहीपर गोटे प्रकार शेष पर्यायर गोटे पर गोटे कार्यक्रम शुभ उद्घाटन राउरकेला सहर को विमान सेवा चलाचल कर केवल राउरकेलावासी नुहंत जो भाव में अशोक कहते जे सुंदरगढ़वासी एवं गोटे प्रकार सारा राज्यवासी बेस खुशी अच्छा जे समय व्यवधान कम दूरता कम ए सबू को नहीं समस्त मनरे बेस उत्साह भुवनेश्वर राउरकेला को विमान उड़ाण आरंभ कर जहां समय आज रही सका 10:45 भुवनेश्वर छाड़ अलायंस एयर विमान अनिता जो भाव में कहते पूरापूरी प्रस्तुति शेष पर्यायर समस्ते जणक पर जड़े आसी पहुंची सारे आम्र कि समय अपेक्षा मुख्यमंत्री फ्लाग अफ करेंगे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया यार शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अंतर्जातीय विमान बंदर में फ्लाग अफ करार कार्यक्रम रही अवसर में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रहिबे एवं वर्तमान जहां सूचना केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसी पहुंची सारे सेपरि राज्य परिवहन मंत्री टुकुनी साहू मंत्री अशोक पंडा विमान बंदर में उपस्थित अच्छा भुवनेश्वर छाड़ीबा परे जहां समय रही आज 10:45 विमान छाड़ 10:45 छाड़ीबा परे विमानटी पूर्वाह्न 11:40 राउरकेला विमान बंदर पहुंचे पुणे मध्याह 12:05 विमान राउरकेलारु बाहरी भुवनेश्वर विमान बंदर में दिन गोटाए पहुंचार कार्यक्रम रही आज शुभारंभ दिन में तेज आसंता 12 तारीख रु दैनिक उड़ाण कर विमान सीधासलख दृश्य आपण माने देखि परुछंती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री उपस्थित अच्छा एपटे सांसद अपराजिता षडंगी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मंत्री टुकुनी साहू अशोक पंडा समस्त उपस्थित अच्छा डीसी जरिया समस्ते एक कार्यक्रम शुभारंभ कर सीधासलख दृश्य आपण माने वर्तमान देखि परुछंती जो भाव में समय निर्धारित कर 10:45 आज शुभारंभ दिवस प्रथम दिन में 10:45 मिनिट्रे विजु पट्टनायक
आंतर्जातीय विमान बंदर प्रथम विमान उड़ाण भर राउरकेला सहर को जोपाई प्रस्तुति सबकि शेष पर्यायर ए आपण मैंने देखिपुट वर्तमान कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम चली भिसी जरिया आ मात्र किसी समय अपेक्षा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यार शुभारंभ करे एवं एपटे ये हेउछि विमान बंदर परिसर दृश्य खेलाड़ी माने मध्य अंतर्जातीय खेलाड़ी माने मध्य गोटिए परे गोटिए टीम आसी वर्तमान पहुँचुछन्ते बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दोनों में मैचेस आयोजित किए गए और इस विमान से जो दोनों शहरों के बीच में भुवनेश्वर और रुड़केला के बीच में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से जाना चाहता हो एक मैच देख के दूसरे मैच देखने के लिए 9 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। इस फ्लाइट के आधार पर वही व्यक्ति 1 घंटे 10 मिनट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है और ये है उड़ान की कमाल। पूरे देश की आम नागरिक प्रधानमंत्री जी की सोच उनकी विचारधारा उनका संकल्प कि किफायती टिकट के आधार पर 1 घंटे 10 मिनट 3,000 रुपए से कम के टिकट के आधार पर एक व्यक्ति 1 घंटे 10 मिनट में भुवनेश्वर से रुड़केला जा पाएगा जिस व्यक्ति को 9 घंटे रास्ते के रूट से एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ता। तो ये आज बहुत बड़ी सौगात उड़ीसा की जनता को प्रधानमंत्री जी के तरफ से एक तोहफे के रूप में आज दिया जा रहा है। रुड़केला में स्टील प्लांट 1955 में स्थापित हुआ, उसी के साथ ये एयर स्ट्रिप स्टील प्लांट के कर्मचारियों के आवागमन के लिए 1961 में स्थापित हुआ, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये एयरपोर्ट आया, बीच में सेल के अधीन भी एयरपोर्ट रहा है, लेकिन 28 जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ओएनएम अग्रीमेंट करके इस एयरपोर्ट की शुरुआत की जाए। और इस दिन पे मैं कहना चाहता हूं कि ओडिशा सरकार के कई सांसदों ने और कई मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता धर्मेंद्र प्रधान जी ने कई बार उनसे कहा कि इसे जल्द करवाना होगा क्योंकि वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन किया जा रहा है और उसी समय संकल्प के आधार पर संसद 12 तारीख को शुरू हो रहा था। उसी दिन हमने निर्णय लिया था कि संसद में जाने के पहले ये एएनएस और सीएनएस अग्रीमेंट सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में हस्ताक्षर करके राशि ट्रांसफर किया जाए ताकि लाइसेंसिंग के लिए प्रस्ताव डीजीसीए को दिया जाए। और आज मुझे खुशी है आपको सूचना देते हुए कि ये उसी दिन ये लाइसेंसिंग होकर ये अग्रीमेंट हस्ताक्षर होकर डीजीसीए के द्वारा शीघ्र ये लाइसेंसिंग किया गया जिसके आधार पर 2B से 2C कैटेगरी में ये एयरपोर्ट को लाया गया जिसके आधार पर आज वो ATR 72 एयरक्राफ्ट रुड़केला के एयरपोर्ट पे आगमन होकर वहां लोगों की आवागमन की सुविधा आज दे पाया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 145 एकड़ जमीन भी इसके विस्तारीकरण के लिए दिया है और उड़ान योजना के अंतर्गत 64 करोड़ रुपए का व्यय इस एयरपोर्ट पे भारत सरकार के द्वारा किया गया है और भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर के द्वारा ये सेवा 12 तारीख से रोज भुवनेश्वर रुड़केला भुवनेश्वर सभी यात्रियों के लिए दिया जाएगा। इस विषय में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उड़ीसा की सोच और विचारधारा सदैव एक साथ एकत्रित मिलकर कार्य करने की रही, उसी भावना के साथ हम लोग केंद्र सरकार में भी कार्य करते, उसी भावना के साथ सदैव हमको कार्य करना चाहिए। उड़ीसा सरकार के कई प्रस्तावों पर तीव्र गति से कार्य करने का संकल्प हमारी सरकार का केंद्र में सदैव रहा और इस विषय पर मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि भी सोचे कि जो विज्ञापन आज निकला जिस विज्ञापन पर प्रधानमंत्री का
सीधासलख दृश्य आपने देखिपुर विसी जरिया बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रही निजर अभिभाषण से कहते कि भाव में पर्यायक्रमे गोटे पर गोटे निष्पत्ति विश्व कप हॉकी भुवनेश्वर राउरकेला को विमान चलाचल कर कि भाव में मूलदुआ पड़ा और समस्त समस्त सहायत आज यह कार्यक्रम सक्सेसफुली आगक जा राउरकेलावासी यार सुविधा पाइबा जाऊँगी आगक वर्ल्ड कप हॉकी को नजर रखी ए सबुर कार्यक्रम कर